हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और घंटे की आइकन को बजाना नहीं, मेरा मतलब है दबाना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है। सो एवरीवन, आई एम आदित्य केडिया, एंड आज मतलब सबसे पहले हम आपको बता दें कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम मतलब लाइव क्लासेस ही करने वाले हैं, लेकिन कुछ कुछ होता है ना इंट्रोडक्शन पार्ट, या फिर जो बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है जो मतलब कुछ खास नहीं है, उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का बस ज़रूरत है और बाकी तुमको खुद पढ़ने का ज़रूरत है, तो वो सब के लिए छोटा छोटा हम वीडियो बना देते ताकि ना मेरा टाइम वेस्ट हो और ना तुम लोग का। इसलिए सो इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट का जो है हम इंट्रो बताएंगे तुम लोग का, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो तुम लोगों को नोट कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर नॉट अ प्रोफेशनल कैमरामैन, और ना हम लोग रईस आदमी हैं, हम लोग गरीब सीधा साधा आदमी हैं, हम लोग के पास ना सेट है, कैमराज है, और सही बोले तो ये जो शेडो दिख रहा है ना, ये मच्छर मारने वाले जो बैडमिंटन आता है ना उसके ऊपर हम टिका के रखे अपना मोबाइल फ़ोन को, उसी का शेडो है, इसलिए क्वालिटी ऑफ वीडियो थोड़ा सा लो हो सकता है। और दूसरा बात, जब भी केमिस्ट्री का क्लास करूँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है तुम्हारे साथ होना चाहिए वो है एनसीईआरटी, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी, वो हमेशा अपने साथ रखना, स्पेशली जब तुम ये वीडियो देख रहे हो। सो जैसा कि हम बोल चुके हैं, वी विल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। एक चीज़ जो नोट करने वाला है फिज़िकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि इसमें एडवांस के लिए भी है ना बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी अगर तुम अच्छा से कर लो, और फिज़िकल केमिस्ट्री में थोड़ा हम तुमको क्या करेंगे, पहले एनसीईआरटी का पूरा बता देंगे, क्योंकि मेंस में एनसीईआरटी से आगे आना ही नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का हम पूरा अच्छा से करवा देंगे, ताकि उससे जो एटलीस्ट बोर्ड्स का जो क्वेश्चन है वो तो बनना ही है बनना है, और साथ में मेंस का भी क्वेश्चन आराम से बनेगा। और एडवांस के लिए भी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोग कोटा में पढ़े, समझे, पता ही होगा वैसे तुम लोगों को, तो उनका भी नोट्स और वगैरह जो हम लोग आज तक पढ़ के गए थे यहाँ से गिरेडी से, उससे भी इतना ही पता चलता है कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा का ज़रूरत नहीं है, फिज़िकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी काफ़ी है। तो हम सबसे पहले तो तुम लोग को एनसीईआरटी पूरा अच्छा से करा देंगे, उसके बाद अपने नोट्स में से छाट छाट के जो कुछ अलग टिप्स या जो पॉइंट्स है जो शायद एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है वो सब हम तुमको बता देंगे, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है यहाँ पे वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, तो वो सब तो तुम लोग सब जानते हैं, हज़ारों सालों से पढ़ते आ रहा है कि क्या होता है डिस्टेंस वगैरह, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस वगैरह, तो सब तुम लोग खुद से आराम से कर सकते हैं, नहीं भी करो तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है एमोरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखो सीधा सा बात है, एमोरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब जो भी आइडियल चीज़ तुमको मिल जाए, जो भी आइडियल स्ट्रक्चर मिल जाए, जो कोई भी आइडियल सामान मिल जाए, घर में बहुत सारा होता है, जैसे ये पेज, अगर इस पेज को मतलब स्मूथली काटो, मतलब एग्जैक्ट बढ़िया से, ऐसे नहीं पकड़ के फाड़ दिया, मतलब किसी ब्लेड वगैरह से प्रॉपरली काटो, तो तुमको पता चलेगा ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, और ये जो है मतलब पूरा आइडियल होता है, मतलब जैसा कि इस फिगर में तुम लोग देख सकते हैं, मतलब हर दो मॉलिक्यूल के बीच में फिक्स्ड डिस्टेंस है, और तीसरा मॉलिक्यूल के बीच में फिक्स्ड डिस्टेंस है, चाहे तुम बहुत कोस दूर भी ले लो, मतलब सब कुछ एकदम आइडियल है, ज़रा सा भी मॉलिक्यूल्स जो है डिस्टेंस 0.000 नैनोमीटर का भी मतलब फ़र्क नहीं आएगा इनका डिस्टेंस में, पूरा आइडियल, ठीक है। और एमोरफस सॉलिड जो होता है मतलब ऐसा सॉलिड जिसके अंदर बहुत सारा चीज़ का मिक्सचर है, और उसमें कोई भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है ना कोई गारंटी नहीं है कि मतलब सेम ही होगा हमेशा, ठीक है। जैसे कि तुम बाहर चल जाओ, रोड में निकलो, हाँ ठीक है लक्ष्मण रेखा है अभी माने, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बाहर निकल सकता है, ठीक है। बाहर जाना, ज़मीन पे पड़ा कोई भी पत्थर, बालू, मिट्टी, कोई भी रैंडम पार्टिकल उठा लो, वो हर पार्टिकल एमोरफस है, मतलब अब उसका जैसे अलग अलग इसमें कैरेक्टरिस्टिक है जैसे एनसीईआरटी में, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये तुम लोग को याद होना ही चाहिए, और ये एग्ज़ाम्स में भी आता है, नहीं आता लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसा कि इसका पहला पॉइंट है कि दे हैव डिफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, जैसा कि हम बताएं कि मतलब ठीक है इसे प्रॉपर आइडियल शेप होता है, साइज़ होता है, सब कुछ, ठीक है। सेकंड आता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब जैसे कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं जैसे ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो इस पार्टिकल को अगर तुम मेल्ट करेगा तो मतलब जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लेते 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 डिग्री सेल्सियस जब इस पर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा तो ये ओवरऑल मेल्ट कर ही जाएगा, लेकिन
जो एमरफस होता है उसमें ग्रेजुअल सॉफ्टन ऑन रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब अगर जैसे एमरफस सॉलिड है कोई, ठीक है, रैंडम एमरफस सॉलिड है, तो उस केस में अगर जैसे तुम इसका अगर एवरेज इसका है ना फिक्स्ड, जैसे इसका फिक्स्ड है 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसका 40 डिग्री सेल्सियस नहीं है, इसका तुम एवरेज बोल सकते हैं कि मतलब जैसे मान लेते 60 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब अगर तुम 60 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा तो इसका कुछ पार्ट्स जो है जैसे ये सब हो गया, ये कोई भी रैंडम कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स जो है वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी जो है मेल्ट नहीं होगा या शायद सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ज़रूरी नहीं कि पूरा मेल्ट ही हो जाए, ठीक है। फिर आता है क्लीवेज प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे कि हम तुमको बोले पेज जैसे कि मतलब क्रिस्टलाइन है, ठीक है, तो अगर तुम पेज को ब्लेड से प्रॉपरली काटो तो देखना उसका जो दो पीस बनता है वो तुमको, अगर इस सिंपल अगर तुम वाइट पेज लेते जैसे इसमें लाइंस है, अगर तुम सिंपल वाइट पेज लो उसको ब्लेड से प्रॉपरली काट दो तो तुमको लगेगा नहीं कि वो दोनों फटा हुआ है या फिर उनको फाड़ा गया है, वो आइडियल लगता है। When cut with a sharp edge tool, they split into pieces and the newly generated surfaces are plain and smooth. समझ में आया? जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट को अगर तुम बीच से तोड़ो तो उसका जो सरफेस मतलब प्रॉपरली अगर कट किया जाए उसको तो मतलब उसका जो सरफेसेस न्यू सरफेसेस होता है वो प्लेन स्मूथ रहता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि बीच से तोड़ा हुआ है, पता नहीं चलता है। लेकिन किसी भी रैंडम ईटा वगैरह है तुम उठा के तोड़ दो तो देखो कितना रफ होता ही है, जनरल से बात है। तो वो सब हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमरफस और क्रिस्टलाइन, ठीक है। एन आइसोट्रोपिक और हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन मतलब वही बात हो गया जो मेल्टिंग है ना, वही हीट ऑफ फ्यूजन भी हो गया। मेल्टिंग होता है सॉलिड से लिक्विड में पिघल जाना और फ्यूजन होता है सॉलिड से सीधा गैस में वेपराइज हो जाना, मतलब अगर कोई ऐसा सॉलिड है जो सॉलिड से गैस डायरेक्टली वेपराइज होने का टेंडेंसी रखता है, तो अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वो एक पर्टिकुलर हीट ऑफ फ्यूजन मतलब एक डेफिनेट हीट के वैल्यू पे वो फ्यूजन हो जाएगा उसका। लेकिन एमोरफस जो है उसका एक रेंज होता है, उसका ज़रूरी नहीं कि इस पर्टिकुलर तुम डाल दिया तो पूरा फ्यूजन हो ही जाएगा उसका, ठीक है। एन आइसोट्रोपिक एक ऐसा प्रॉपर्टीज़ होता है जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है, ठीक है, सब आइडियली है। एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ यूज होता है वो सब क्वांटिटीज़ के लिए, जैसे हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह हो गया, पासिंग ऑफ लाइट हो गया, जैसे अगर हम टॉर्च को इस तरह यहाँ से अगर इंक्लाइन करेंगे इस तरह और लाइट ऐसे ऐसे करके जा रहा होगा तो इन सब से टकराते हुए जाएगा, लेकिन अगर लाइट हम इस एंगल से देंगे इस एंगल से तब देखो जो बीम ऑफ लाइट जो इस लाइन से पास करेगा उसके सामने कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी मतलब हर्डल्स नहीं आएगा, वो सिंपली पास कर जाएगा, तो उसका जो इंटेंसिटी पास करने के बाद जो आउटकम होगा वो मैक्सिमम होगा, लेकिन इस केस में मिनिमम होगा। मतलब अगर ऐसा कोई सॉलिड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसा प्रॉपर्टीज़ एंगल पर डिपेंड करे तो वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, लेकिन जो मतलब किसी भी एंगल से उसका इंटेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है वो होता है एमरफस सॉलिड, ठीक है। ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जैसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब जिस ऑर्डर में अरेंज्ड है, जैसे एक के बाद ये फिर वापस ये फिर वापस ये, इस तरह करके अरेंज है। मतलब अगर ये चार पांच पार्टिकल्स तक ही ऐसा अच्छा सा आइडियल सिमेट्रिकल प्लेसमेंट है लेकिन उसके बाद वापस जाके रैंडम हो जाता है तो वो हो गया ऑर्डर, मतलब कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब छोटा दूरी तक ही आइडियली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बाद रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो वो हो गया शॉर्ट रेंज। और दूर तक अगर मतलब जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है उसमें इन्फिनिटी डिस्टेंस तक भी उस पार्टिकल का चल जाओ तो जो ऑर्डर होता है वो सेम ही रहता है, तो वो हो गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और एमॉर्फस जो हो गया वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। अब इसी पेज पे देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि लिक्विड्स एमॉर्फस सॉलिड हैव टेंडेंसी टू फ्लो। एमॉर्फस सॉलिड्स जो होता है वो एक्चुअली मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंस्ड लिक्विड है, मान लो ऐसा होता है बहुत ज़्यादा डेंस्ड लिक्विड होता है तो वो क्या होता है, जैसे हम लोग का घर का ग्लासेस होता है वो भी एमॉर्फस ही होता है, तो अगर तुम उसको मतलब जब शीशा लगाए हो घर में, ठीक है, फिर सालों साल जब तुम बड़े हो जाओ तुम्हारे बच्चे उच्चे हो जाए उसके बाद भी अगर वो शीशा बचा है
तो जाके देखना उसका जो नीचे वाला लेयर, मतलब जैसे ये अगर विंडो का मतलब शीशा है तो उसका जो लोअर वाले पोर्शंस होते हैं ना, यहाँ पे देखना जो, और ऊपर वाले पोर्शंस, इन दोनों के कंपेरेटिवली यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ ग्लास है तुमको ज़्यादा मिलेगा। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये फैट हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, लेकिन ये वाला पतला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर ग्रेविटी के कारण ये जो है बहुत ही स्लोली, मतलब बहुत ज़्यादा स्लोली ये फ्लो करते हुए नीचे आ जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। ये है एमॉर्फस सॉलिड के लिए, एमॉर्फस सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है अगर उसको हीट किया जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मतलब अपना अपना प्रॉपर्टीज़ है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है कुछ वैसा टेम्परेचर हो 40 डिग्री सेल्सियस हो जिसमें वो क्रिस्टलाइन बदल जाए, किसी में 60 हो, किसी में ना ही हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज में, तो नेक्स्ट पेज में जैसा देख सकते हो मॉलिकुलर सॉलिड्स है, उसका टाइप्स है, उसका एग्जांपल्स है, और कुछ कुछ छोटा छोटा प्रॉपर्टीज़ है जो कि सब देख रहे हो, यू हैव लर्नड इन क्लास 11 इस तरह करके है, तो तुम लोग खुद पढ़ सकते हो, इसमें मेरे बताने लायक जैसा कुछ नहीं है।